नमस्कार। एक तरफ जिंदगी चलाने की चिंता, दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की चिंता। देश की अर्थव्यवस्था को तीन महत्वपूर्ण झटके लगे। पहला नोटबंदी, दूसरा GST और तीसरा यह कोरोना महामारी। नोटबंदी में लगभग 4 से 5 करोड़ युवाओं का रोजगार छिन गया। ना उनके पास काम बचा, ना उनके पास व्यवसाय बचा। GST में छोटे व्यापारी, MSME, जो हमारे छोटा व्यापारी होता है, उनका रोजगार छिन गया। और तीसरा कोरोना महामारी। यह महामारी इस देश में युवाओं के लिए बहुत ही घातक साबित हुई। तकरीबन 15 से 16 करोड़ युवाओं का रोजगार छिन गया और सरकार इससे वंचित है। आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कृपया उनको रोजगार दो, उनको व्यवसाय करने के लिए साधन उपलब्ध कराओ, जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आज देश का 40 करोड़ युवा अति बेरोजगार में है, अति बेरोजगार श्रेणी में आता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कृपया उन युवाओं के हित में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं, जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। जो कुछ युवा ऐसे हैं जो रोज़ खाते हैं, कमाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि इस देश को युवा ही चला सकता है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कृपया युवाओं के हित में सोचें, युवाओं के बारे में सोचें और युवाओं को रोज़गार देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।